इन्होंने कहा कि एक महीना हो गया इस संघर्ष नूं चलदे, जिहड़ा परचा दर्ज किया गया सी जिस विच अरेस्ट पाई गई है उहदे बारे सानूं एक एप्लीकेशन भी पहुंची है। उस एप्लीकेशन ते असी तफतीश कर रहे हैं। उस तफतीश दे विच काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है। जिहड़ा उस केस का मदई है वो इस वेले मानसा विच हाजर नहीं है, किसी कारण करके वह बाहर गया होया। उस दे बयान दर्ज करने बहुत जरूरी ने ताकि वह तफतीश प्रॉपर तरीके नाल कीती जा सके। असी सारे कानून दे बजे हैं, एक कानून दे तहत देश चलता है, कानून दे तहत पुलिस चलती है। सो उस कानून दे मुताबक ही उहदे विच जिहड़ी कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। जिवें मैं कह कि उहदे च मदई जिहड़ा कंप्लेनेंट है क्योंकि वह बाहर है तो उहदे बयान दर्ज किए बिना उहदे च कार्रवाई नहीं हो सकती, उहनू असी कॉन्टैक्ट भी किया तो कोशिश करांगे कि उहनू जल्दी तो जल्दी बुला के, क्योंकि उहने कहा सी मैनू 6-7 दिन लगणगे, बट असी उहनू कह के 2 या 3 दिन च वापस आवे तो आके अपने बयान देवे। कल कमेटी नाल मीटिंग हुई सी, वो कमेटी नाल जिहड़ी मीटिंग सी बड़े वधिया बड़े सुखाले माहौल च हुई है। इस मुद्दे ते काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है ते मैं तो मैं तुहानू सारयां नू ये विश्वास दवाना कि जिहड़ा ये मुद्दा चल रहा पिछले 1 महीने तो इहदा असी 5-7 दिन दे विच विच कोई ना कोई पॉजिटिव हल कढांगे ते उहदे वल असी काम कर रहे हैं। जिवें मैं कहा तफतीश च भी बहुत प्रोग्रेस हुई है, उस तफतीश के अकॉर्डिंग ही असी उन्नू हल कढांगे ते पॉजिटिव हल कढांगे। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਠ ਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਤੀ ਬੰਦ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ।